कांग्रेस की तुष्टिकरण नीति से पनपे अल्पसंख्यक मंत्रालय के दिन लगता है कि अब पूरे हो गए हैं। एक अप्रत्याशित सुधार के तहत सरकार इसे खत्म करने पर विचार कर रही है। अगर ऐसा होता है तो देश में तुष्टिकरण की राजनीति तो औंधे मुंह गिरेगी ही, साथ ही एक धर्म विशेष के वोटों के लिए अपनी रोटी सेकने वाले राजनीतिक दल भी गर्त में जाएंगे। दरअसल सूत्रों ने बताया है कि केंद्र की मोदी सरकार साल 2006 में कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों की मनमोहन सिंह सरकार द्वारा बनाए गए अल्पसंख्यक मंत्रालय को खत्म करने पर विचार कर रही है। अगर ऐसा वास्तव में हुआ तो एक बहुत बड़ा सुधार तो होगा ही, साथ ही धर्म विशेष की राजनीति पर भी बड़ी चोट होगी। कांग्रेस से लेकर RJD, समाजवादी पार्टी और AIMIM जैसी पार्टियों को भी बड़ा झटका लगेगा और एक सबक भी मिलेगा कि आम जनता को मूर्ख न समझा जाए। वहीं सूत्रों ने बताया है कि सरकार अल्पसंख्यक मंत्रालय का विलय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के साथ करेगी और अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही स्कीमें वैसे ही चलती रहेंगी। हालांकि मंत्रालय के अधिकारियों ने अभी इस मामले पर कुछ भी बताने से मना कर दिया है, लेकिन सूत्रों ने कहा है कि भाजपा के नेतृत्व वाली NDA सरकार का मानना है कि अल्पसंख्यक मामलों के लिए अलग से मंत्रालय की जरूरत नहीं है। उनके मुताबिक ये मंत्रालय सिर्फ UPA की मनमोहन सरकार की तुष्टिकरण की राजनीति के चलते बना था। अब मोदी सरकार इसे दोबारा से सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय के अंतर्गत लाना चाहती है। बता दें कि मंत्रालय समाप्त किए जाने को लेकर अभी कोई आधिकारिक सूचना नहीं आई है, लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम संगठनों ने अभी से अपनी नाराजगी को व्यक्त करना शुरू कर दिया है। साथ ही कांग्रेस के पेट में भी मरोड़ उठने शुरू हो गए हैं। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य सैयद नासिर हुसैन ने कहा कि भाजपा ऐसा करके समाज को बांटना चाहती है। ऐसा मंत्रालय कांग्रेस वाली UPA सरकार इसलिए लाई ताकि अल्पसंख्यक मुख्य धारा में आएं और उनका विकास हो, मगर भाजपा सरकार तो हर अवसर को अल्पसंख्यकों के खिलाफ ही प्रयोग करती है। वहीं जमातीय इस्लामी के सचिव सैयद तनवीर अहमद ने कहा कि ये सब संविधान की आत्मा के खिलाफ है, इससे मानव विकास रुकेगा। सरकार को तो ज्यादा से ज्यादा पैसा देकर मंत्रालय को मजबूत करना चाहिए ताकि अल्पसंख्यकों का कल्याण हो। गौरतलब है कि अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम की धारा 2 के तहत 6 समुदाय को केंद्र सरकार ने अल्पसंख्यकों के तहत अधिसूचित कर रखा है। देश में मुस्लिम, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी और सिख अल्पसंख्यकों में गिने जाते हैं, लेकिन इस संगठन के गठन के समय से ही इसकी मुस्लिम तुष्टिकरण की सोच झलकती है, चाहे वो योजनाओं का क्रियान्वयन हो या फंडिंग या फिर उनका नामकरण। और अब मोदी सरकार एक बड़े सुधार के तहत इस पर अहम फैसला लेने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।